नमस्ते मित्रों, जो जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो ज़िंदगी और मौत की जानकारी है। आज हमारे क्षेत्र शालीमार गार्डन में कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज मिला है। 3-4 दिनों से मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकला था। आज शाम को पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए कम्प्लीटली पैक्ड अपने पिता की दवा के लिए मैं निकला तो जानकारी मिली कि 2 और संदिग्ध हैं। जहां पर पॉजिटिव मरीज मिला है वो बिल्डिंग पूरी तरह से सरकारी देखरेख में आइसोलेट कर दी गई है। पूरी बिल्डिंग को कम्प्लीटली पैक्ड और लॉक्ड कर दिया गया है। कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। एक ज्योतिषी होने के नाते कुछ गंभीर विषय आप लोगों के साथ हम साझा करना चाहते हैं। ये जो कर्फ्यू लगा है, इस कर्फ्यू को आप दंगा वाला कर्फ्यू समझ करके चल रहे हैं कि शाम होते ही अपने घरों से निकलते हैं, घूमते टहलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, घर की खरीदारी करते हैं क्योंकि दुकानें खुली हैं ज़रूरत वाली, 20-25 रुपए का मास्क पहन लेते हैं और सोचते हैं कि कोरोना पर हमने जीत हासिल कर लिया, कोरोना पर हम विजय हासिल कर लिए। बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जिस तरह की स्थिति इस समय चल रही है आसपास और जो ग्रह नक्षत्रों के इशारे हैं, दोनों चीजें, ग्रह नक्षत्र इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि ज्योतिष की पूरी जानकारी हमको, तो वो एक एडवांटेज के रूप में मैं आप लोग को आगाह भी कर रहा हूँ, मतलब भविष्य देखते हुए उसको आगाह कर रहा हूँ और आंकड़े भी वो तस्दीक कर रहे हैं। विगत दिनों जो हमने अपने कुछ वीडियोस और पोस्ट फेसबुक पे हमने डाले थे, तो वो आंकड़े वो जो हमारा कैलकुलेशन है उसको आज की तारीख में जो आंकड़े हैं वो तस्दीक भी करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं। बहुत सारे लोग, मैं जैसे दवा लेने के लिए खास तौर पे गया था, बाकी चीज़ों के लिए कतई नहीं निकल रहा हूँ। घर में बच्चे भी हैं छोटे, रोते भी हैं, चिप्स के लिए रोते हैं, चॉकलेट्स के लिए रोते हैं। मेरा 5 साल का बेटा है, खूब हंगामा करता है, सुन लेता हूँ, चुपचाप बहला लेता हूँ। 10 मिनट रोएगा, 20 मिनट रोएगा, 2 घंटा रोएगा, बस ना, मरेगा नहीं। लेकिन अगर उसको चुप कराने हम बाहर निकल जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आने वाला कदम कोरोना जैसी मौत लेकर के आ रहा है, इसकी पूरी संभावना बन जाती है। डॉक्टर्स बता रहे थे कि कोई छींका, खांसा, थूक दिया तो 8-9 घंटे के लिए, अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो 8-9 घंटे के लिए विषाणु हैं वहाँ पर। और जूता, चप्पल, हाथ कहीं पर भी भाई कुछ भी लग जाएगा। आप देखिए कई वीडियोस में डॉक्टर्स किस तरह से खुद को पैक्ड करते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हमने देखा कि मानवतावश लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मदद करने की जगह मदद करते हुए आप बॉम्ब बन जाते, बन जा रहे हैं या बन गए होंगे, क्या भरोसा? आने वाला 7-8 दिन क्या पता कुछ लक्षण आप में आ ही जाए। तो मौत किसी भी फॉर्म में आ सकती है। आज एक बड़ा भारी सा पोस्ट हमने डाला इस पर कि 20 रुपए का मास्क बांध करके और हाथ में 20 रुपए का दस्ताना पहन करके आप कोरोना पर जीत नहीं पा रहे हैं, बल्कि आप और बढ़ावा दे रहे हैं। इस समय जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होगा मानवता पर, देश पर, देशभक्ति पर और फेसबुक की सेल्फी पर, वो सब कुछ सिर्फ एक ही जगह से संचालित हो रहा है और वो संचालन है आपके घर के अंदर से। इस समय सबसे बड़ा देश धर्म जो है वो आपके घर के अंदर आपका रहना है, बाहर निकलना नहीं है।
हां, मृत्यु तुल्य किसी को तकलीफ हो जाए निकलिए, लेकिन प्रिकॉशन के साथ निकलिए। मैं तो कहूंगा तब भी मत निकलिए। प्रशासन इतना चौकन्ना है, पूरी तरह से पूरा सिस्टम इतना चौकन्ना है, क्योंकि मौत का डर तो उन्हें भी है ना, उनको भी पता है, तो वो बहुत चौकन्ने हैं। आप सोशल मीडिया पर बताइए, आप प्रशासन को बताइए, हजारों नंबर्स डिस्प्ले हुए हैं, आप बताइए आपकी जरूरतें, आप बताइए। पुलिस महकमा पूरी तरह से एक्टिव है, प्रिकॉशन के साथ एक्टिव है, वो प्रिकॉशन के साथ है। आप विदाउट प्रिकॉशन रहेंगे, जब विपत्ति आती है तो कई विपत्तियां एक साथ लेकर के आती हैं। हम नहीं चाहते हैं, हम कतई नहीं चाहते हैं कि, अब जानते हैं ये वीडियो भी क्यों बना रहा हूं, मुझे भी तो डर है। अगर हमारे इस कार्यक्रम से, इस वीडियो से 4-6-10 लोग भी बचे तो हम भी तो बच गए, उस 4-6-10 में हम भी तो हो सकते हैं। सोचिए, इंग्लैंड के कौन से वो प्रिंस हैं, वो भी चपेट में आ गए। तो स्थिति बहुत भयावह है। 30 तारीख को बृहस्पति नीच राशि में आएगा, जहां पर मंगल और शनि ऑलरेडी हैं, राहु इसका नैसर्गिक कारक है, और राहु से अष्टम आएगा, बहुत विभत्स रूप हो सकता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। गंभीरता को समझिए, इसकी, इसके मर्म को समझिए, इसके दर्द को समझिए। याद करिए प्रधानमंत्री जी का वो आग्रह, वो आवाहन, जिसमें वो लिटरली रो दिए थे हाथ जोड़ करके, उसको समझिए। उन्होंने कितना स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक काम करिए, घर में रहिए, घर में रहिए, और सिर्फ घर में रहिए। मतलब अब इससे बढ़कर क्या होगा? इसको सामान्य कर्फ्यू समझ करके, कि जैसे दंगों में होता है कि शाम को 2 घंटे की छूट मिली है तो चलो सामान भरो, बच्चों के लिए किंडर जॉय खरीदो, बच्चों के लिए क्या क्या लेके आ जाओ, ये करेंगे आप? बड़ा आनंद आता है कि गोल गोल सा चक्कर बना बना करके आप वहां पर खड़े हैं और फेसबुक पे फोटो खींच करके डाल रहे हैं, आनंद आ रहा है। अरे वो खाली रहे, वो गोल चक्कर खाली रहे दुकानों का, तब आनंद आएगा। लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? शाम को बाहर निकलना, सुट्टा मारने के लिए बाहर निकलना, ये होता है लॉकडाउन का मतलब। 200-400 रुपए का खाने का पैकेट ले लिया, बिस्किट का पैकेट ले लिया, ब्रेड ले लिया, और जो मजदूर मजबूर हैं, जो मजबूर मजदूर हैं, उनको बांटते हुए सेल्फी खींच करके और जो है उसको फेसबुक पे डाल रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप कितना ले करके आ रहे हैं। तो ये बहुत दर्दनाक सिचुएशन है, इसको समझें आप। और प्लीज़ कतई घर से बाहर किसी कीमत पर मत निकलें आने वाले 20 दिन अभी। और भले मोदी जी ने 15 तारीख तक के लिए आह्वान किया है, लेकिन आप 20 लेकर चलिए, 25 लेकर चलिए, अपरिहार्य स्थिति में निकलिए। आप 30 अप्रैल तक का मान करके चलिए ना, क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? एक मीटिंग खाइए ना, मैं क्या कहता हूं, अरे एक मीटिंग खाइए ना, ऐसा थोड़ी कि मर जाएंगे आप अगर दोनों मीटिंग नहीं खाएंगे। किसी भी तरह की स्थिति आ जाए, कोई भी स्थिति आ जाए, मैं कह रहा हूं कोई भी स्थिति आ जाए, मौत से बढ़कर के थोड़ी ना है, कुछ भी स्थिति आ जाए मत निकलिए घर से। मैं ज्योतिष का भी जानकार हूं, इसलिए और ज्यादा इसकी गहराई को, मेडिकल तो बता ही रहा है जो बता रहा है, लेकिन मेडिकल उतना बता रहा है जिससे आप बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, इसलिए मेडिकल डर के बता रहा है। स्थितियां कहीं ज्यादा भयावह और दर्दनाक हैं, बीभत्स हैं, उसको बहुत गहराई से समझना होगा। आप जीवित रहेंगे तो सब हो जाएगा। आंकड़े, स्थिति, परिस्थिति देखिए, बहुत जगह देखिए क्या स्थितियां चल रही हैं। बहुत नाजुक दौर में हैं हम आप, बहुत नाजुक मोड़ पर हैं हम और आप। बहुत सोचना होगा, बहुत समझना होगा। कुछ भी हो जाए, घर का दरवाजा मत खोलिए। मैं तो कहूंगा कि अंदर से ताला बंद करके और चाबी गुम हो जाए, फेंक दीजिए,
सब जिंदा रहेंगे, यहां तक भी हो जाए सब जिंदा रहेंगे। मतलब सोचिए, बैंक्स ने भी 3 महीने की छुट्टी दे दिया, अब क्या रोना है। हम भी परेशान थे इंस्टॉलमेंट को लेकर के, अब तो इतना चैन है मुझे ना कि मतलब सोच भी नहीं सकते आप। आज करीब 4 दिन के बाद मैं घर से निकला था दवा लेने के लिए, और जो स्थिति देख कर आया वो मजबूर किया कि हम आप लोग को आगाह करें, आप लोग से आग्रह करें, आप लोग को बताएं, क्योंकि हैं कुछ थोड़े बहुत जो हमको भी मानते समझते हैं, उनमें से अगर किसी की ज़िंदगी को हमने बचाया ना तो ये बहुत बड़े पुण्य का काम होगा। आज सबसे बड़ा देश धर्म, मानव धर्म यही है कि हम खुद को कैद रखें, खुद को लॉक्ड रखें। जान है तो जहान है। हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, बहुत एक्टिव है हमारा प्रशासन। मीडिया को धन्यवाद देते हैं, बहुत एक्टिव है, बहुत चीज़ों को हम तक पहुंचा रहा है। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो सिर्फ एक काम है, और जो सबसे आसान है, घरों में रहना सबसे आसान है। माताएं बहनें कैसे रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर में बैठ करके कर सकते हैं। अभी एक पोस्ट डाला था मैंने कि हम कितने सृजन हो सकते हैं, कितने सृजनात्मक चीज़ों को, कितनी चीज़ों को इनोवेट कर सकते हैं, कितना हम लिख सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कितना हम गा बजा सकते हैं, कितना बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए। बस बाहर ना निकलिएगा, अगर निकलेंगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। भले ही आप 500 लोगों की सोसाइटी में रहते हैं, 500 फ्लैट्स की सोसाइटी में रहते हैं, 1000 फ्लैट्स की सोसाइटी में रहते हैं, भले ही, कोई भरोसा नहीं कि सामने वाला कोरोना पीड़ित है या नहीं। आप कैसे जज कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं बताइए। मास्क लगा लिए और दस्ताना पहन लिए तो जज हो गया, मतलब आप बच गए, कैसे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मौत आपसे चंद कदम दूरी पर है, पीछे कदम खींचेंगे बच जाएंगे। दहलीज लांघे, लक्ष्मण रेखा शब्द लाया था प्रधानमंत्री जी ने, लक्ष्मण रेखा शब्द लाया था, कितनी बड़ी बात है। उसको सीता ने लांघा, उसकी गहराई समझिए ना, उसका मर्म समझिए। सीता ने लांघा तो क्या हुआ था, आप लोगों से छुपा थोड़ी ना है। माँ सीता ने लांघा, लक्ष्मण रेखा शब्द क्यों लाया? माँ सीता ने लांघा तो उसका हश्र देखा ना आपने, तो आप लांघेंगे तो आपका भी तो क्या होगा। मत लांघिए, दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा है, घरों में रहिए। स्थिति बहुत 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 भयावह है। उम्मीद करते हैं कि मेरे समझाने का, बताने का कुछ असर जरूर आप पे पड़ेगा, और आप घरों में बिल्कुल पैक्ड रहेंगे, कुछ भी हो जाए कतई ना निकलिए। सारी सुविधाएं घर आपके पास आएंगी, चल के आएंगी। बचाइए अपने आप को, जितना बचा सकते हैं बचाइए। अपरिहार्य कारण हो तो ही कदम निकालिए। इतना ही कहूँगा। माँ महामाई आप सबकी रक्षा करें, माँ भगवती आप सबकी रक्षा करें, आप सब स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ रहें। देश और राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है आज घरों में रहना, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद।